हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। जैसा आप सभी को पता है, एज यूजुअल मैं यहाँ पर फाउंडेशन सीरीज लेकर आई हूँ आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट का, जिससे हम एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, साथ के साथ क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं और ये भी देखते हैं कि आने वाले एग्जाम में हमें किस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये मेरा फाउंडेशन सीरीज हर ऑल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे आता है। तो जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आई हूँ जिससे एवरी टाइम न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता ही है। तो चलिए, आज हम आपके जो न्यूमेरिकल के पेन पॉइंट है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं मॉड्यूल का चैप्टर 4 लेकर आई हूँ, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। ठीक है, तो आज हम इसी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट्स हम किस तरीके से एक बैंक का किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये मतलब होता है कि कितनी अच्छी तरीके से कोई बैंक जो है अपने एसेट्स का यूज कर रही है इनकम को जनरेट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिटर्न ऑन एसेट्स बोलते हैं। इसके फॉर्मूला होते हैं और इससे काफी ज्यादा जो है न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसके फॉर्मूला को समझते हैं और उसके अलावा साथ के साथ जो है हम एक यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, रिटर्न ऑन एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर होता है फी इनकम में जब हम ऐड करते हैं अपने नेट इंटरेस्ट इनकम और उसमें से अगर हम अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं उसको एवरेज टोटल एसेट्स से, तो हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स निकल के आ जाता है। अब एक एक यहाँ पर जो भी टर्म्स लिखे हैं उसको मैं आपको समझाने वाली हूँ। फी इनकम क्या हो सकता है बैंक के लिए? बैंक के लिए जितने भी लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? फी इनकम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट जो है चार्ज करती है अपने कस्टमर्स को और यहाँ से इनको इनकम जनरेट होता है। साथ के साथ आप देखोगे बैंक में जो हमारा ट्रांजेक्शन फीस लगता है, ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे हमारे अकाउंट का जो मेंटेनेंस होता है इसका भी यहाँ पर फीस लगता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब के सब है फी इनकम जनरेट करते हैं एक बैंक के लिए। तो आई होप आपको फी इनकम तो क्लियर हो गया होगा कि फी इनकम क्या होता है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम की। अब यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम किस तरीके से हम निकालते हैं? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है नेट इंटरेस्ट इनकम को निकालने का, इंटरेस्ट अर्न ऑन सिक्योरिटी प्लस लोन माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स। इसको समझते हैं। देखिए, इंटरेस्ट अर्न जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि हम इंटरेस्ट किस पे अर्न करते हैं, जो भी हम बैंक जो है अपने कस्टमर्स को लोन देती है या जो भी यहाँ पर फी सर्विसेज होती है, जितने भी उनके हम फैसिलिटीज देते हैं जैसे कि लॉकर की फैसिलिटी देते हैं, यहाँ भी हम उनसे बैंक क्या करती है अपने कस्टमर से यहाँ पर चार्ज लेती है। तो यहाँ पर जो ये सारी चीजें हैं इंटरेस्ट इनकम हो जाता है एक बैंक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो यहाँ लिखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स। डिपॉजिट्स क्या होता है, आप बैंक में जाते हो, यहाँ पर क्या करते हो, आप अपने सेविंग अकाउंट ओपन करते हो और उसमें अपने पैसे डिपॉजिट कराते हो। इस पे बैंक क्या करती है, आपको बैंक आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देती है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब है ये बैंक के लिए क्या हो जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाता है। यहाँ पर बैंक को जो है अपने कस्टमर को यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट्स कराते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सेविंग अकाउंट में अगर आप मिनिमम जो अमाउंट अगर रखते हो तो यहाँ पर बैंक आपको क्या करती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। उसके अलावा बोरोइंग की बात करते हैं। बोरोइंग क्या होता है, बोरोइंग का मतलब है बैंक जो है किसी थर्ड पार्टी से या किसी थर्ड बैंक से जो है यहाँ पर क्या करती है, मनी बोरो करती है। ठीक है, और इस मनी को बोरो करती है तो बैंक को यहाँ पर जो थर्ड पार्टी और जो थर्ड बैंक होते हैं उनको यहाँ पर क्या करना होता है, इंटरेस्ट बैंक यहाँ पर उनको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, बैंक के लिए एक इंटरेस्ट एक्सपेंस का काम करता है। तो जो भी हमारे इंटरेस्ट हम पे करते हैं अपने डिपॉजिटर्स को, यानी कि जो हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट कस्टमर्स हैं, और जो बोरोइंग यानी कि हमने जो किसी थर्ड पार्टी से या थर्ड बैंक से हमने कोई अगर मनी बोरो किया है तो उनको जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसको जब हमारे जो इंटरेस्ट
यानी कि लोन और जो हमारे सर्विसेज फी बेस्ड सर्विसेज होते हैं उसमें से जो भी हम अर्न करते हैं उस दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आ जाता है। एग्जाम्पल से समझिए इसको। देखिए मान लो कि एक बैंक किसी कस्टमर को लोन दे रही है और लोन पे वो 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रही है और यहाँ पर उस कस्टमर का सेविंग अकाउंट है और इस सेविंग अकाउंट पे जो है बैंक अपने कस्टमर को 4% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो जब आप इस दोनों को माइनस कर दोगे यानी कि ये जो इंटरेस्ट अर्न किया गया है बैंक के द्वारा और जो इंटरेस्ट बैंक को डिपोजिटर को जो यहाँ पर देना है अगर इस दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना निकल के आता है 6%। तो ये 6% क्या होता है, ये 6% बैंक के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। तो आई होप आपको नेट इंटरेस्ट इनकम क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट की। तो कल मैंने एक क्लास लिया था जिसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताया था जब मैं आपको 3 levels ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बता रही थी। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं। अब किसी भी बिजनेस या किसी भी बैंक के लिए एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो सकता है, जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज होती है उसमें जो खर्चे होते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, राइट। उसके अलावा आप देखोगे कि सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉय को, है ना, उसके अलावा रेंट पे करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट है या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो जब फी इनकम को ऐड करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम में और उसमें से अगर हम अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस के माइनस कर देते हैं या बैंक का और उसको एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स निकल के आ जाता है। अब ये एवरेज टोटल एसेट्स कैसे आता है इसको समझते हैं। यहां पर आप देखोगे कि एवरेज टोटल एसेट्स को निकालने के एक फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी आपका बिगिनिंग में जो भी आपके एसेट्स आते हैं और प्लस जो आपके टोटल एसेट्स एंड में आते हैं ईयर के, उसको अगर आप डिवाइड कर देते हो 2 से तो क्या आ जाता है आपका एवरेज टोटल एसेट्स आ जाता है। आपको तो एवरेज निकालने आता होगा किस तरीके से एवरेज निकालते हैं। मान लो यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है। ए को मान लो मैथ्स में 70 मार्क्स आए, बी को 30 मार्क्स आए और सी को यहाँ पर 40 मार्क्स आए और यहाँ पर जो डी है उसको 50 मार्क्स आए। तो अगर मुझे इन चारों का एवरेज चाहिए होगा तो आप किस तरीके से एवरेज निकालते हो, आप इस चारों को ऐड कर देते हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और उसको क्या करते हो डिवाइड कर देते हो 4 से। तो यहाँ पर क्या होता है चारों का जो है एवरेज यहाँ पर मार्क्स निकल के आ जाता है। सिमिलरली ये एवरेज टोटल एसेट्स यही है कि जितने भी आपके एसेट्स एंड में आए हैं और जितने भी बिगनिंग में ईयर के एसेट्स आए हैं उन दोनों को ऐड करके जब आप डिवाइड कर देते हो 2 से तो हमारा क्या होता है एवरेज एसेट्स यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो आई होप अब आपको एवरेज टोटल एसेट्स निकालना आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको डायरेक्ट एवरेज टोटल एसेट्स ना दे करके यहाँ पर आपको एवरेज टोटल एसेट्स निकालने को बोल देता है। तो आपको अगर फॉर्मूला पता होगा, आप जनरल अगर आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होगा तो आप यहाँ पर उस फॉर्मूला को अप्लाई करके एवरेज निकाल सकते हो टोटल एसेट्स का, ठीक है। तो ये हुआ रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला। इसको इसका दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर नेट इनकम को जब हम डिवाइड कर देते हैं अपने एवरेज टोटल एसेट्स से तो हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स निकल के आ जाता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है आपको फी इनकम दे देगा, नेट इंटरेस्ट इनकम दे देगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे देगा और एवरेज टोटल एसेट्स भी दे देगा और आपको बोलेगा रिटर्न ऑन एसेट्स निकालने को। तो ये इजी है निकालना। उसके अलावा कभी कभी क्या करता है इस तरीके से ना देके दूसरा क्या करता है नेट इनकम आपको दे देगा और एवरेज टोटल एसेट्स की जगह ओनली यहाँ पर जो स्टार्टिंग के जो इनके टोटल एसेट्स होते हैं और एंड में जो इनके टोटल एसेट्स आते हैं एंड ईयर में उसका सिर्फ आपको वैल्यू दे देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एवरेज टोटल एसेट निकालना होता है और फिर नेट इनकम से आप डिवाइड कर देते हो टोटल एसेट्स को। तो अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ट्विस्ट करना होता है, थोड़ा डिफिकल्ट बनाना होता है, तो वो क्या करते हैं इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन देते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि किस तरीके से जो है फॉर्मूला इसका डेराइव होता है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इस तरीके के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन करने में। तो चलिए
इससे रिलेटेड जो है एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक फी इनकम दे रखा है 50 करोड़ का, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट पेड जो है 80 करोड़ दे रखा है और इंटरेस्ट रिसीव्ड है 200 करोड़ दे रखा है। यहाँ पे आप ऑपरेटिंग कॉस्ट देख पा रहे होंगे 80 करोड़ का है और एवरेज टोटल एसेट्स यहाँ पर दे रखा है। अब आपको बोल रहा है रिटर्न ऑन एसेट्स निकालने के लिए। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको पता है कि आपको फी इनकम दे रखा है 50 करोड़, उसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम नहीं दिया हुआ है। तो आपको जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, अगर मुझे नेट इंटरेस्ट इनकम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जो भी मेरा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो पे किया है हमने डिपोजिटर को या बोरोवर को, तो उसको हम यहां से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना निकल के आ जाएगा, 120। तो मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, फॉर्मूला पे अप्लाई कर दूंगी, नेट इंटरेस्ट इनकम मेरा निकल के आ गया 120। अब यहाँ पर हमें पता है कि इसमें से हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमारी होती है उसको माइनस करते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 80 है, ठीक है। उसके अलावा डिवाइड कर देते हैं इसको एवरेज टोटल एसेट्स से। यहाँ पर मेरा एवरेज टोटल एसेट्स भी लिखा हुआ है 1000 करोड़, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी। तो आपको पता है वर्ड मास रूल तो सबको पता होगा, कैलकुलेशन करना तो सभी को आता होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 170 में से जब 80 को माइनस करते हो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1000, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.09। तो रिटर्न ऑन एसेट मेरा कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 0.09। देख रहे हो कितना आसान है, अगर आपको फॉर्मूला पता है और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आप रिटर्न ऑन एसेट्स इजीली निकाल सकते हो। और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और काफी ज्यादा लोगों के लिए नहीं, ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते, काफी टाइम टेकिंग है। बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है, अगर आपको चीजें पता होगी कि क्या फॉर्मूला होता है तो आप इजिली जो है इस तरीके के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया कि 0.09 आएगा यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं कि एग्जाम में आखिर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखोगे अक्टूबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंसिडर अ बैंक विद द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा फॉर अ ईयर, ठीक है। साल का एक फाइनेंशियल डेटा दे रखा है जिसमें आपको फी इनकम बता रखा है, इनकम कितना है 40 लाख का है, नेट इंटरेस्ट इनकम आप देख पा रहे होंगे 10 लाख का है, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर 6 लाख का दे रखा है, एवरेज टोटल एसेट्स जो है यहाँ पर कितने का दे रखा है, 1 करोड़ 50 लाख है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन एसेट्स और आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन एसेट का। अभी मैंने बताया कि जब मेरा जो फी इनकम है, मेरा जो मेरे लिए बैंक के लिए इनकम जनरेट करती है, उसको अगर मैं ऐड कर देती हूँ नेट इंटरेस्ट इनकम से और उसको जितने भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है बैंक के उससे अगर मैं माइनस कर दूं और उसको डिवाइड कर दूं मैं यहाँ पर किससे, एवरेज टोटल एसेट से, तो क्या होगा, मेरा जो है रिटर्न ऑन एसेट निकल के आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज को क्या करना है, इस फॉर्मूला में लगा देना है। फी इनकम मुझे पता है कितना है, 40 है, 40 लाख है, राइट। तो आप यहाँ पर 40 लाख लिखोगे। नेट इंटरेस्ट इनकम, जबकि इसने बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, बिल्कुल फॉर्मूला पे ही आधारित है, कुछ भी इन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न नहीं किया है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको पता है 6 लाख का है, चलो यहाँ पर डेटा डाल दो। उसके अलावा एवरेज भी आपका दे रखा है, ठीक है, आप एवरेज भी यहाँ पर नीचे क्या करोगे, डाल दोगे। अब क्या करना है, अब इसको कैलकुलेट ही तो करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, इस दोनों को जब ऐड करोगे कितना आएगा, 50 लाख आ जाएगा, राइट। इसमें से आपको 6 लाख को क्या करना है, माइनस करना है और डिवाइड कर दो 150। अब इसको जब डिवाइड, अब जब 50 लाख में से 6 लाख माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 44, ठीक है, और नीचे कितना है, 150। अब क्या करना है,
काट दो, यहाँ पर कितना बच रहा है 44 डिवाइडेड बाई 150। जब इस दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, 0.29 आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, बिल्कुल ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं यहाँ पर आपको जो भी चीजें पढ़ा रही हूँ और जिस भी तरीके का कैलकुलेशंस बता रही हूँ, एक बार घर पे इसको खुद से जरूर प्रैक्टिस करना, बहुत इजी है। एक बार अगर आपने खुद से इसको सॉल्व करना सीख लिया तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप एग्जाम में न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। तो चलिए एक आपको क्वेश्चन देती हूँ जिसका आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, Which of the following formulas correctly represents the calculation of return on assets? आपके पास options दे रखे हैं। Option A है ROA is equals to total assets divided by net income. Option B है ROA is equals to net income divided by total assets. Option C है ROA is equals to net income divided by average total assets. Option D है ROA is equals to average total assets divided by net income. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब सेशंस को देख रहे हैं, प्लीज आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। इसी तरीके से मैं आपके लिए छोटे छोटे जो है कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी, जिससे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत लंबा मेरा ये वीडियो होता नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि आपने 10 मिनट में जो है 2 क्वेश्चन आप इजिली यहाँ पर सॉल्व कर पाते हो और साथ के साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर पाते। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूं कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और हमारे वीडियो को इसी तरीके से देखते रहो, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी आप लोगों को कोई इश्यू आता है, कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको यहाँ पर कोर्सेज के बारे में अवेल करना है, कुछ पूछना है, जानकारी लेनी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें मेल भी कर सकते हो, hello@edutap.co.in, ठीक है। तो आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहे और इसी तरीके से जो है एग्जाम के प्रिपरेशन करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।